रैयत विस्थापित मोर्चा एनके एरिया की समीक्षा बैठक डकरा में हुई। बैठक की अध्यक्षता एनके एरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता और संचालन रामलखन गंजू ने किया। बैठक में पूर्व प्रबंधन को दिए गए 21 सूत्री मांग को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बिगन सिंह भोक्ता ने कहा कि प्रबंधन को 14 सितंबर को धरना के माध्यम से रैयत विस्थापितों को नौकरी, मुआवजा, विस्थापन, पुनर्वास, गांव में बुनियादी सुविधाएं सहित कई समस्याओं को लेकर 31 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी प्रबंधन द्वारा अभी तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है, जिससे रैयत विस्थापितों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस दौरान निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के अंदर प्रबंधन पूर्व में दिए गए 31 सूत्री मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं करती, एक सप्ताह बाद 17 अक्टूबर को इनके एरिया बंद करने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर सभी परियोजनाओं में बैठक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से जालिम सिंह, नरेश गंजू, देवपाल मुंडा, अमृत भोक्ता, जगन्नाथ महतो, प्रभाकर गंजू, शिव नारायण लोहरा, राजेंद्र उरांव, रवि उरांव, प्रभु गंजू, प्रेम गुप्ता, राधेश्याम प्रसाद, रोशन गुप्ता, सुनील यादव, रामधारी गंजू, विनोद मुंडा, भोला यादव, रमेश गंजू, वासुदेव ठाकुर, सन्नी यादव, नरेश यादव, हेमलाल गंजू, आनंद तुरी, संतोष गंजू समेत कई लोग मौजूद थे। रैयत विस्थापित मोर्चा इनके एरिया भीमराव अंबेडकर पार्क में एक समीक्षा बैठक रखा गया और समीक्षा बैठक में हम सीसीएल प्रबंधक को धरना प्रदर्शन के माध्यम से 31 सूत्री मांग जो थोपे थे जिमा आज तक ले सीसीएल उसने कोई पहल रैयत लोग से नहीं किए हैं और कोई नहीं बर्ताव की चर्चा किए हैं। इसलिए हम लोग आज के बैठक में निर्णय लिए किए हैं सीसीएल का, आज हम लोग 7 दिन की उसका मोहलत दे रहे हैं हम लोग, और उसमें अगर 7 दिन के अंदर अगर सीसीएल इसमें अगर जो 31 सूत्र मांग पर कर विचार विमर्श रैयत विस्थापित मोर्चा लोग से नहीं करते हैं तो हम लोग आगे एक राजनीतिक बनाए हैं कि बंदीकोर हम लोग जाएंगे और इसका हम लोग आज घोषणा 7 दिन की कर दिए हैं और इसका जवाबदेही सीसीएल इनके प्रवर्तक होंगे और बंदीकोर हम लोग निश्चित काल के लिए हम लोग पढ़ेंगे, दिवसीय बंदी रखेंगे।